हाँ भाई बच्चों, अकल के कच्चों, कैसे क्या हाल चाल। तो भाई ये क्वेश्चन है जो बार बार मुझसे पूछा जाता है और पूछ पूछ के मुझे परेशान किया जाता है। सर, नीट 2023 का पेपर कैसा होने वाला है, स्पेशली फिजिक्स। मतलब फिजिक्स ही वो एग्ज़ाम है जो नीट एस्पायरेंट्स का है ना रातों की नींद उड़ा देती है ना। फिजिक्स वो एग्ज़ाम है जिसके कारण मैक्सिमम नीट एस्पायरेंट्स का डॉक्टर बनने का सपना रह जाता है। सर, कैसा आने वाला है नीट 2023 का फिजिक्स? इजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा, मॉडरेट आएगा, हमें किस लेवल पे तैयारी करनी चाहिए? तो चलिए यार, इसको डिस्कस करते हैं फटाक से। तो पहले अपन लास्ट थ्री ईयर का पेपर देख लेते हैं। ये एनालिसिस मैंने पूरा पहले भी करा हुआ है प्रॉपर, है ना। अगर तुम्हें चाहिए तो वो तुम्हें मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे, है ना, जिसमें मैंने हर ईयर के पेपर का सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करा हुआ है, डिफिकल्टी वाइज करा हुआ है, सेक्शन वाइज करा हुआ है, सेक्शन वन, सेक्शन टू, जो सेक्शन ए सेक्शन बी होता है। बट अभी मैं फिलहाल डिफिकल्टी वाले बताने वाला हूँ तुम्हें। जैसे नीट 2020 का पेपर देखें, अगर 2020 का है ना, तो देखो ये पेपर मोस्टली ईजी था ना। 2/3 पेपर में सीधे सीधे ईजी, बिल्कुल वेरी इजी क्वेश्चन थे। 1/3 पेपर मॉडरेट था और बहुत कुछ एक दो क्वेश्चन कह सकते हैं जो डिफिकल्ट में डालने लायक थे, बाकी का पेपर हमारा इजी था। 2021 में ऑन द अदर हैंड एकदम से बिल्कुल पलट गया पेपर डिफिकल्ट, मतलब जो नीट के अभी तक सबसे डिफिकल्ट पेपर्स आए हैं उनमें से एक था। 2020 का पेपर सबसे इजी में से एक था, 2021 का पेपर सबसे डिफिकल्ट में से एक था। जैसे 2016 उसका पेपर भी डिफिकल्ट था, ये पेपर भी डिफिकल्ट आया। इसमें तुम देखोगे तो सिर्फ 1/4 क्वेश्चन तुम्हारे इजी थे, मैक्सिमम पेपर मॉडरेट लेवल का था अराउंड 2/3, और कुछ क्वेश्चन अराउंड 8 क्वेश्चन तुम्हारे डिफिकल्ट भी आए हुए थे 2021 में। पर 2022 में फिर से पलट गया, एकदम से लगभग ईजी पेपर है ना, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं बट ईजी पेपर आया 2022 में भी, है ना। ठीक है, जैसे 2020 में अराउंड तुम्हारे 2/3 पेपर तुम्हारा इजी था, यहाँ पर भी तुम्हारा अराउंड 2/3 पेपर इजी था, है ना। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा आ गए 2020 के कंपैरिजन में, बनना वही थे, 2-3 ही थे डिफिकल्ट भी, और बाकी तुम्हारा मॉडरेट था। मतलब 2020 का पेपर आसान था फिजिक्स का, 2021 का डिफिकल्ट था, 2022 का फिर आसान आ गया। तो सर, अब 2023 का क्या होगा? क्या 2023 का अब डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मतलब वो इस तरह से पैटर्न खेल रहे हैं? तो देखो, यही चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ यार, इस तरह के प्रिडिक्शन मत करा करो। और बहुत से लोग इस तरह के प्रेडिक्शन कर रहे हैं और बच्चे भी करते रहते हैं कि अब ऐसा आने वाला है, पिछली बार इस चैप्टर में से आया था तो अब इस चैप्टर में से आएगा, हर 3 साल बाद ये ऐसा करता है वैसा करता है। तो देखो, ऐसी कोई पैटर्न होती नहीं है, ठीक है। जो लोग एग्जाम बना रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता कि भाई कि वो कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, वो ऐसी कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं। हर साल पेपर तुम्हारा बैलेंस आता है, हर टॉपिक से क्वेश्चन डाले जाते हैं, कभी एक दो से ज़्यादा आ जाते हैं, कभी एक दो से कम हो जाते हैं, देयर इज नो पैटर्न एट ऑल, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना हो तुम्हें सॉल्व, वो इसलिए करना है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ताकि तुम्हें उसका आइडिया लगे। पर इस तरह का एनालिसिस ऑनेस्टली इसकी कोई जरूरत नहीं होती ना, है ना, क्योंकि पेपर कैसा आएगा वो किसी को भी नहीं पता। अब क्वेश्चन होता है सर, फिर हम कैसे तैयारी करें, हम किस लेवल पर तैयारी करें? क्या हम 2020 में जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले से ही हो रहे थे और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट से हो रहे थे उस तरह से करें, या फिर 2021 का जो पेपर था जिसमें फॉर्मूले काम ही नहीं कर रहे थे? अनलेस एंटल तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो सर हम किस लेवल पर तैयारी करें? तो देखो यार, डॉक्टर बनना तुम्हारी जिंदगी का सपना है ना, तुम्हारा ड्रीम है। और बेटा क्या होता है, जो तुम्हारे लिए कोई चीज़ जब इतनी इंपॉर्टेंट होती है ना, जो तुम्हारा सपना होता है, उसके साथ हम जुआ नहीं खेलते हैं। तो तुम तैयारी अपनी हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के हिसाब से करके जाते हो। मतलब तुम तैयारी ऐसे करके जाओगे, तुम ये मान के चलोगे कि जैसा नीट का पेपर 2016 में था, जैसा नीट का पेपर 2021 में था, 2023 में भी वैसा ही आने वाला है। अब अगर ऐसा भी आ गया तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा भी आ गया तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको हर केस के लिए तैयार रहना है। और याद रखना, जब तुम इस तरह से तैयारी कर रहे हो तो एक्चुअल में तुम तभी तैयारी कर रहे हो, वरना बस तुम जुआ खेल रहे हो। और मैक्सिमम बच्चे बस यही करते रहते हैं, पिछले साल इस चैप्टर से ज्यादा आ गए तो उससे पिछले साल इस चैप्टर से ज्यादा आ गए तो ये पढ़ लेते वो पढ़ लेते, ये वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट, ये वाले चैप्टर कम इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है, हर एक चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है और पेपर पूरा बैलेंस्ड आता है, और पेपर कैसा भी आ सकता है, हो सकता है मॉडरेट लेवल आ जाए, हो सकता है इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाए, यू डोंट नो। तुम्हें अपने आप को तैयार करके रखना है, तुम्हें अपने आप को तैयार करके रखना है, तभी तुम इन स्टूडेंट्स की तरह परफॉर्म कर पाओगे। आई थिंक नीट 2020 तुम्हें तुमने देख ही लिया है, ये वो स्टूडेंट्स हैं मेरे जिन्होंने 1 साल या 2 साल मुझसे पढ़ाई करी अनअकैडमी पे, एंड 4 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 180 out of 180। ये नीट 2022 का रिजल्ट है। अराउंड 17-18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 170 से ज़्यादा नंबर लेके आए। अब 43 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 160+ मार्क्स, ये एक बैच का रिजल्ट है। तो अगर तुम भी चाहते हो, तुम इस लेवल पे परफॉर्म करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने आप को हमेशा तैयार रखना है ना, तुम्हें इजी डिफिकल्ट नहीं देखना है, तुम्हें अपने आप को इस लेवल पे तैयार करना है। अगर तुमने इस लेवल पे तैयारी करी है तभी तुमने तैयारी करी है। और बाकी डिटेल्ड एनालिसिस के लिए भाई मैंने वीडियो बना के डाल रखा है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो तुम ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज और पर्टिकुलरली कौन से चैप्टर से कितने डिफिकल्ट इजी आए थे वो पूरा एनालिसिस देख सकते हो ना। चलो बाय गाइस, सी यू।